हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उदयपुर के टाउन हॉल परिसर में उस समय हंगामा हो गया जब भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी की कार्यकर्ता और नेता आमने सामने हो गए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के उदयपुर शहर विधानसभा के प्रत्याशी गुलाब चंद कटारिया नामांकन से पहले टाउन हॉल पहुंचे थे और उस दौरान कटारिया के सैकड़ों समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुँच गए, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भरत कुमावत और उसके समर्थक भी टाउन हॉल में इकट्ठा हो गए। दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे को देखकर जमकर नारेबाजी करने लगे, लेकिन इस दौरान टाउन हॉल में पुलिस के जवानों ने दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को अलग अलग कर माहौल को शांत करवाया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या अधिक होने से भाजपा की ओर से लगातार नारेबाजी होती रही, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या कम होने से उन्हें कुछ ही समय में पीछे हटना पड़ा। इसके बाद टाउन हॉल परिसर में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस के अधिकारियों ने दोनों पार्टियों को आमने सामने नहीं होने दिया। नारेबाजी के बाद जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी गुलाब चंद कटारिया के साथ रैली के रूप में वहां से रवाना हो गए। उदयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।